एमडीके टेस्ट के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर मुतासरा उम्मीदवारों का वालदैन और यंग डॉक्टर्स के हमरा एहतजाज। नारेबाजी भी की गई। डाउ यूनिवर्सिटी के नतज को मुस्तरद कर दिया। कहा सोशल मीडिया पर पेपर एक रात कबल ही लीक हो गया था। तहकीकती कमेटी का भी मुतालबा कर दिया। चार माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। मुख्तलिफ शोबों को भी बंद किया। चेयरमैन YDA सिंध डॉक्टर फारूक बोले डॉक्टर जेनी और माली मुश्किलात में मुबतला हैं। यंग डॉक्टर्स कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। एहतजाज हर नौजवान डॉक्टर की आवाज बनेगा। एसोसिएशन या यंग डॉक्टर्स वालों को हाउस ऑफिसर्स PG जो जिना हॉस्पिटल चलाते हैं उनको कभी भी सैलरी टाइम पे क्यों नहीं मिलती। हमें हर साल यही टोपी कराई जाती है कि आपका बजट रिलीज नहीं हुआ, आपका बजट रिलीज नहीं हुआ। भाई बाकी सारे तो मौके में हैं, अगर उनका बजट टाइम पे आता है, उनको सैलरी टाइम पे आती है तो हम डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी जाती। मुज़ाकरात कामयाब। 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म। NICH अस्पताल में डॉक्टरों ने बायकॉट खत्म कर दिया। बीमार बच्चों और वालदैन ने सुख का सांस ले लिया। जनरल सेक्रेटरी YDA का मामूल के मुताबिक काम करने का ऐलान। इंतजामे ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। जदीद टीबी सहूलियात की फरहमी के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। सिविल अस्पताल में जदीद टीबी आलात और फर्नीचर की तकसीम। मुख्तलिफ शोबाए जात में नई मशीनें नस्ब। सेक्रेटरी हेल्थ ने कार्डियोलॉजी रेडियोलॉजी सर्जिकल ICU में नई मशीनों का इफ्तिताह किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10-20 नहीं 170 से ज्यादा अशिया सस्ती। कीमतों में 10 से 190 रुपए तक की कमी। चाय मसाले और दीगर अशिया सस्ती की गई। खरीदारी के लिए कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत दस्तयाब। स्टील मिल्स का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया गया। सैफुल्ला चट्ठा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी सनत व पैदावार, सेक्रेटरी फाइनेंस या इनके नामजद नुमाइंदे अरकान होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध या नामजद करदा नुमाइंदा भी रुकन होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर स्टील मिल्स और NPOB अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। फाइलर्स पर मजीद बोझ न डाला जाए। ताजरों की FBR से मामला मिल बैठ कर हल करने की दरख्वास्त। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने पर जोर। ताजरों पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। किसी के अलाकार न बनने का ऐलान। जहाँ से अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से सेल टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से इनकम टैक्स को चोरी किया जाता है, जहाँ से एक्साइज ड्यूटियाँ चोरी की जाती हैं, क्या उन सनतकारों का ये फर्ज बनता है कि वो बजाय अपना टैक्स देने के वो छोटे ताजरों पर टैक्सों पर जो है वो मजीद सख्तियाँ पैदा करने की कोशिश में जो है FBR का साथ दें। ये सरासर ज्यादती है। PSO का माली बहरान संगीन हो गया। एक माह में दरामदी LNG वाजबात में 22 अरब रुपए का इजाफा। वाजबात बढ़कर 528 अरब रुपए हो गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजबात 803 अरब रुपए से तजावुज कर गए। नई नस्ल को खिदमत की तरगीब देना होगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख का नौजवानों पर खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ने पर जोर। खारादर जनरल अस्पताल में सहूलियात की फरामी पर इत्मीनान का इजहार। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का शहर में मुख्तसर वक्त में बहुत काम करने का दावा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मायूसी का इजहार। गैस बिजली पानी ना मिलने की भी शिकायत। इल्जाम लगाया रेडलाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया गया। शहर के हक के लिए मुजामत जारी रखने का ऐलान। मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदे तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। मुकामी काउंसिल्स मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी मुमकिन न हो सकी। महकमे बल्दियात का नोटिस। काउंसिल्स चेयरमैन को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह और पेंशन अदा करने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त में मुलविस कबाड़ियों की शामत। ABLC पुलिस ने कबाड़ियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। SSP आरिफ असलम राव के मुताबिक 2 माह के दौरान 100 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए। कब्जे से मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद। कार लिफ्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं।
कार और मोटरसाइकिल, खासतौर पर मोटरसाइकिल्स का और यूज मोटरसाइकिल या नई, उनके जो डिस्पोजल थे उस हवाले से जब काम किया गया तो कराची में स्क्रैप डीलर्स ऐसे मिले जो चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त में मुलविस थे। उनके खिलाफ जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ हुई पूरे कराची में, कराची के तीनों जोन में की गई, CIA की जानब से भी की गई, और उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा अरेस्ट हुई, 50 से ज्यादा FIRs हुई, और उसकी बेस पे भी हमारे जो क्राइम है उसमें काफी फर्क आया। कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत, तफ्तीशी अफसर ने इम्तनाए मुनशियात मुकदमा का हतमी चलान अदालत में जमा करा दिया। तफ्तीशी अफसर का मुलजमा नताशा का नशे की हालत में गाड़ी चलाने का दावा बरकरार। चलान के मुताबिक नताशा नशे में धुत होकर इंतहाई गफलत से गाड़ी चला रही थी। मुलजमा ने दौरान तफ्तीश जुर्म का भी एतराफ किया। फरंगी की निजी सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट पर स्कूल की तामिर के खिलाफ दरख्वास्त, SPCA ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। शुक्र करें रिहायशी प्लॉट पर स्कूल ही चलाया जा रहा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, आप नहीं चाहते बच्चे तालीम हासिल करें। उमरे की आड़ में भिखारियों को सऊदी अरब भेजने का केस, ट्रैवल एजेंट का मुकदमा कलदम करार देने के लिए अदालत से रजू। सिंध हाईकोर्ट ने FIA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बिजली और गैस लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। लांडी, कोरंकी और रंगी टाउन में बिजली गायब। शालतीप टाउन, सुरजानी और दीगर इलाकों में चूल्हे ठंडे। 10 घंटे बिजली और 8 घंटे गैस गायब रहने से शहरी परेशान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। रोशनियों के शहर में दुनिया भर के सकाफती रंगों के जलवे। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आर्ट्स काउंसिल Studio 3 में डांस वर्कशॉप का इनेकाद। बिहाइंड द स्टेज आर्ट एग्जीबिशन की इफ्तताही तकरीब सजेगी। वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह मेहमान खसूसी होंगे। रात 8:30 म्यूजिक कॉन्सर्ट में नामवर गुलकार परफॉर्मेंसेज पेश करेंगे। एक्सपो सेंटर में मुतबादल तवानाई से मुतालिक नुमाइश का तीसरा रोज, तलबा ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। मुतबादल एनर्जी की मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार, मुतबादल एनर्जी को फरोग देने पर जोर दिया। लिथियम बैटरीज ने रिवायती बैटरी से जान छुड़ा दी। मेंटेनेंस फ्री, देरपा और हजम में कम लिथियम बैटरीज की धूम। पावर बैंक के नाम से 5 किलो और 7 किलो वॉट में बैटरीज दस्तियाब। माहरीन के मुताबिक एक लिथियम बैटरी की लाइफ 10 साल है। गवर्नर सिंध से कायम मुकाम सऊदी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल रहमान 7 जुमा का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। कामरान टिसोरी का सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का ऐलान। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे। मिजाइया गुलकार चाहत फतेह अली खान का बुशरा अंसारी की तनकीद पर जवाब, कहा बचपन से बुशरा अंसारी को देख रहा हूँ, वो अदाकारे की इब्तदा में कॉमेडी गाने गाती थी। बुशरा अंसारी का चाहत फतेह अली खान के रद्द अमल पर लाइल्मी का इजहार। और नेशनल स्कूल गेम्स में गर्ल्स टेबल टेनिस मुकाबले, अंडर 17 कैटेगरी में ओरिजिन स्कूल की पहली पोजीशन। कामयाबी पर तलीबात का इजहार मुसरत, जीत का क्रेडिट कोच को दे दिया। गेम्स में 110 स्कूलों की शिरकत, मुकाबले 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।